हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? एसवी टेक सॉल्यूशन में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक नया चीज बताने वाला हूँ जो कि मेरे पास एक प्रोजेक्टर है, उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी करनी है। मान लो कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है मेरे पास, मुझे बाहर नहीं लगाना है, मुझे बिना बाहर की कनेक्टिविटी करनी है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक प्रोजेक्टर के साथ एक छोटा सा ये वाईफाई कार्ड आता है, उस कार्ड को हमें प्रोजेक्टर में लगाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो ये कनेक्टिविटी करने से पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया था, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसका सॉल्यूशन मिला तो उसमें से पूरा जो मेन सेटिंग है वो नहीं बताया गया यूट्यूब। एप्सन का एक साथ में इसका यूएसबी डोंगल मिलता है, यूएसबी वाईफाई कार्ड मिलता है, इसको यूएसबी वाईफाई कार्ड कहते हैं। इसको लगाएंगे हम प्रोजेक्टर में, यूएसबी ए करके लिखा हुआ है, इसके पीछे लगना है। अब देख सकते हो ये वाईफाई कार्ड है जो एप्सन के प्रोजेक्टर साथ आया था, वो आपको इस पोर्ट में ही लगाना है। तो ये प्रोजेक्टर है, अब मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग क्या है? सबसे पहले सेटिंग जो है प्रोजेक्टर से करना है। ये मैंने सीधे रिमोट से ऑन करता हूँ, देखो एक बीप आई, अब ये ऑन हो गया। इसका स्क्रीन जो है प्रेजेंट ये यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, देखो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एंटर करेंगे तो कुछ इस टाइप का ओपन होगा आपके पास। तो नेटवर्क इसके बाद हम आएंगे वायरलेस लैन, वायरलेस लैन के अंदर जाना है हमें। क्विक से हमें इसको एडवांस में जाना है और उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अपना एक्सेस पॉइंट सर्च करना है। मेरा नेटवर्क ये YIPL UKP वाला है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है आपको, DHCP आपका ऑफ रहना चाहिए, ठीक है? तो ये DHCP आपको यहाँ पे ऑफ करना है। देखिए DHCP जाने के लिए आपको क्या करना है, IP सेटिंग में जाना है। IP सेटिंग में जाने के बाद ये ऑन को हमें ऑफ कर देना है। देखिए DHCP ऑफ कर दिया है, इसको टर्न कर देंगे। अब हम इसके अब क्या करना है, हम इसकी IP मैनुअल IP डालेंगे इसमें। ये मैंने IP डाल दिया है, आप सबनेट मास्क हमारा यही रहेगा और यहाँ पे डिफॉल्ट गेट पे मैं डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने DHCP ऑफ किया और मैनुअल IP दे दिया इसको मैंने, और इसके बाद मैंने इसको रिटर्न में जाना। रिटर्न में जाने के बाद इसको हमें सेव करना है, और कोई सेटिंग नहीं करनी है। फर्स्ट सेटिंग मैंने क्या किया, इसको एडवांस मोड पे क्विक से मैंने एडवांस मोड में किया, उसके बाद मैंने एक्सेस पॉइंट सर्च किया, उसके बाद IP सेटिंग में जाकर DHCP ऑफ किया और इसको मैनुअल IP दे दिया। अब क्या करना है, जो सेव करना है, सेव करने के लिए हमें रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है, इस पर ओके करेंगे और यस कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी प्रोजेक्टर की सेटिंग। अब लैपटॉप में क्या करना है वो देख लीजिए। लैपटॉप की सेटिंग करनी है तो लैपटॉप में क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसके बाद हमें कनेक्ट कर देना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल, यहाँ पर सर्च करेंगे एप्सन आई प्रोजेक्शन फॉर विंडोज, उसके बाद ये सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडोज, तो हम यहाँ पे विंडोज के लिए क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे हम। यस करेंगे, ओके करेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए आ चुका है। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, फिनिश करेंगे इसको। दोस्तों ये हमारा सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका, अब क्या करेंगे, प्रोजेक्टर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम प्रोजेक्टर को यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, याद रहे आपका ये नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, मेरे नेटवर्क से कनेक्ट है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एप्सन आई प्रोजेक्शन करके सर्च करेंगे, एडवांस पे क्लिक करना है और ओके करना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे मैनुअल, मैनुअल में सर्च करेंगे जो आपने आईपी दे रखा है प्रोजेक्टर का। दोस्तों मैंने अपने प्रोजेक्टर का आईपी दिया है 10/25/13/34, तो इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, और यह सब हमारा स्क्रीन जो है प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रोजेक्टर मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए सेम डिस्प्ले आपको वहां दिख जाएगा।